मंगलवार 23 अप्रैल यानी आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली के मंदिरों में सुबह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर बजरंगबली के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। हिंदू नववर्ष के बाद अब हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किए गए। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजधानी में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, प्रभात फेरियां, शोभा यात्राएं और इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जय श्री राम। मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम। हम इस समय मौजूद है कनॉट प्लेस के श्री प्राचीन हनुमान मंदिर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लोग दर्शन के लिए आतुर है और लगातार आप कतारें देख सकते हैं कि ये कतार कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की काफ़ी मान्यताएँ हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था तो इस मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद एक मान्यता यह भी मानी जाती है कि तुलसीदास ने इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही श्री रामचरितमानस का की रचना की थी। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव जगह जगह किस तरीके से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी कतार है प्राचीन हनुमान मंदिर पर। हम आज आपसे रूबरू कराते हैं भक्तजन जो यहाँ पर आए हुए हैं। जी कब से आए हो आप? हम 12:30 से। कब से आए हो आप? हम 11:30 बजे से आए हुए हैं। किस तरीके की आज अभी लाचाए हैं ये और कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? हम लोग तो काफ़ी 2-3 साल से यहीं पे आ रहे हैं और मतलब बालाजी का दर्शन हो जाए बस इसी सोच में और बस। तो जय श्री राम। इसी तरीके से यह कतार काफ़ी लंबी है और लोग दर्शन के लिए लगातार बने हुए हैं और अपनी अपनी अभिलाषाएं लेकर इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं।